हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्रिफ रिपोर्ट कब चेक किया जाता है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, सिविल से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एक्यूफैक्स से रिलेटेड, मतलब हर तरीके का अलग अलग वीडियोज बनाए हैं। उसी में काफी सारे लोग से सवाल पूछ रहे कि सर क्रिफ रिपोर्ट कब चेक किया जाता है। दोस्तों क्रिफ रिपोर्ट आपका तब चेक किया जाता है जब आप अपने फॉर्म के नाम पे लोन लेते हैं। अगर आपके किसी बैंक में करंट अकाउंट है और आप वहां पर जो है अपने फॉर्म के नाम पे लोन ले रहे हैं, तो उस केस में जो है आपका क्रिफ रिपोर्ट चेक किया जाता है। आप जैसे कि जानते हैं कि जो भी बिजनेस करते हैं ज्यादातर उनके करंट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट जिस भी बैंक में, तो उसी बैंक से जो है अपने फॉर्म के नाम पे लोन ले सकते हैं। अगर वो इधर उधर कहीं जाके अप्लाई करते हैं, अपने फॉर्म के नाम पे लोन लेने का सोचते हैं, तो उस केस में उनका जो है क्रिफ रिपोर्ट चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं से इन्होंने जो है अपने फॉर्म के नाम पे लोन तो नहीं ले रखा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका यह है SBI का मुद्रा लोन। अगर आप कभी भी मुद्रा लोन अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपका क्रिफ रिपोर्ट ही जो है चेक किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादातर बिजनेसमैन है जो अपने फॉर्म के नाम पे जो है लोन लेते हैं, तो उनका सिर्फ जो है क्रिफ रिपोर्ट जो चेक किया जाता है। जो आप सवाल पूछ रहे थे कि सर सिविल स्कोर कब चेक किया जाता है या मेरा जो है एक्सपीरियंस एक्यूफैक्स कब चेक किया जाता है, दोस्तों ज्यादातर जो देखा गया है सिविल और एक्यूफैक्स ये आपका तब चेक किया जाता है जब 10 लाख से ऊपर का जो है आप लोन लेते हैं। लेकिन जो सिर्फ क्रिफ रिपोर्ट है वो तभी चेक किया जाता है जब आप अपने फॉर्म के नाम पे लोन लेते हैं। या कैसे, आप जैसे मान के चलिए कि आप SBI का, जो मैं आपको मुद्रा लोन के बारे में बता रहा था, कि आप कभी भी पूछना किसी भी पर्सन से, जो मेरे को भी मिलते हैं इंस्टाग्राम पे और जो हम लोग भी बैंक में लोन्स देते हैं, तो उस केस में उनका क्रिफ रिपोर्ट चेक किया जाता है। मेरे पास काफी लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे, बोले सर मेरा क्रिफ रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, आप तो बोलते हैं सिविल रिपोर्ट चेक किया जाता है। तो सिविल रिपोर्ट आपका तब चेक किया जाता है जब ऐसे मान के चलिए आप कोई सैलरीड पर्सन है या छोटा मोटा भी चीज फाइनेंस करा रहे हैं, तो उस केस में ज्यादातर सिविल स्कोर चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने फॉर्म के नाम पे, अपने कंपनी के नाम पे जो है लोन लेते हैं, तो उस केस में आपका क्रिफ रिपोर्ट चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपने अपने फॉर्म के नाम पे कहीं और से जो लोन तो नहीं ले रखा। सिर्फ आपके वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका क्रिफ रिपोर्ट चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों।